आपकी बाइसिकल को अपग्रेड एंड स्मार्ट बनाने के लिए भी काफी सारे गैजेट्स हैं जो आराम से आप ऑनलाइन परचेज कर लोगे। सो गाइस वेलकम टू गैजेट जोन, लेट अस बिगिन। रिटायर वन, अरे भाई ज्यादा मत सोचो, रिटायर होने को नहीं कह रहा हूँ, ये भी एक कमाल का बाइक इन्वेंशन है। रिटायर वन, खुद तो आप ठंड में जैकेट वगैरह पहन लेते हो, लेकिन आपके बाइसिकल के टायर का क्या, जो इतने उबड़ खाबड़ गंदे और जाने कैसे कैसे रास्तों पर चलता है। वेल, रिटायर वन को आप अपनी बाइसिकल के टायर पर ऐसे जिप करके पहना सकते हो। हम अक्सर ही अपनी साइकिल से बहुत सारी अलग अलग कंडीशन में राइडिंग करने जाते हैं ना, तो उन राइडिंग टेरेन्स के हिसाब से तो टायर बने नहीं होते, और अगर राइडिंग टेरेन सही नहीं है तो टायर में दिक्कत आ सकती है। यानी हर जगह का टेरेन अलग होता है और उसकी जरूरत अलग होती है, तो वो टायर रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो रिटायर वन से, और ये कहीं ना कहीं टायर को बचा कर भी रखता है। तो अगली बार आप चाहे आपको ऑफ रोड राइड पर जाना हो या फिर किसी एडवेंचर ट्रिप पर, आपकी बाइसिकल का टायर उसके लिए तैयार रहेगा, जस्ट उस पर रिटायर वन लगा देना होगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी नॉर्मल बोरिंग सी बाइसिकल में जस्ट एक डिवाइस लगाकर उसे एक पावरफुल ई बाइक में बदल सकते हो, तो क्या आपको यकीन होगा? वेल, पिका बूस्ट से आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। इसे जस्ट माउंट करके लगा लो बाइसिकल के रियर व्हील यानी पिछले पहिए में, जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी है, एंड सिर्फ 30 सेकंड्स में ये माउंट हो जाता है। एंड लगाने के लिए भी आपको अलग से कोई टूल वगैरह भी नहीं चाहिए होगा। इसमें काफी सारे बिल्ट इन सेंसर्स लगे रहते हैं जिनकी मदद से ये गैजेट आपके राइडिंग पैटर्न को समझते हुए उसी हिसाब से असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। यानी मान लो कि आप किसी ऊंची जगह पर बाइसिकल चढ़ा रहे हो तो नॉर्मली तो मुश्किल होगी, लेकिन पीका बूस्ट इस चीज को डिटेक्ट करके आपको अलग से असिस्टेंस दे देगा रियर व्हील को घुमाकर, जिससे बहुत आसानी से आप किसी भी ऊंची जगह पर बाइसिकल ले जा सकते हो बिना मेहनत के। आपके पास कोई भी बाइसिकल हो, ये डिवाइस लगभग सभी में फिट हो जाता है। और हाँ, इसके इंटीग्रेटेड यूएसबी पोर्ट से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, साइकिल की केयर करनी है, उसकी स्पीड को मेंटेन रखना है अगर, तो चेन की केयर करना, उसमें ऑयलिंग करना सबसे जरूरी होता है, और ये काम अब आप कुछ ही सेकंड्स में इंस्टेंटली कर सकते हो ग्रीन डिस्क से। मतलब यार, ये एक ऐसा छोटा सा गैजेट है जो हर एक बाइसिकल ओनर के पास तो होना ही चाहिए। नॉर्मली चेन को साफ करते टाइम या उसे ल्यूब्रिकेट करते टाइम हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, लेकिन ग्रीन डिस्क के चलते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसे चेन के ऊपर रखो एंड चेन को घुमाना कर दो स्टार्ट पैडल्स को चलाकर, फिर साथ में ये ग्रीन डिस्क भी घूमते हुए पूरी चेन को ल्यूब्रिकेट कर देगी, एंड आपकी बाइसिकल अगली राइड के लिए हो जाएगी एकदम परफेक्टली तैयार। सो सिंपल एंड इजी, एंड बस इसे यूज करने के बाद वापस से रख लो अपनी पॉकेट में या फिर अपने बैकपैक वगैरह में। अब ये गैजेट जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये किसी ताले की चाबी नहीं है, बल्कि बहुत ही स्मार्टली बनाया गया एक मल्टी टूल गैजेट है। इस छोटी सी चाबी में पता कितने सारे टूल्स हैं? वेल, 16 से भी ज्यादा फंक्शंस कर सकता है ये सिंगल गैजेट, और ढेर सारे यूजफुल टूल्स का हैंडी कॉम्बिनेशन है ये, जैसे कि फिलिप्स ड्राइवर, अलग अलग तरह की रेंचेस, मेजरिंग स्केल, वायर को छीलने के लिए वायर स्ट्रिपर, बॉक्स कटर, कैन ओपनर, और भी ऐसे ही बहुत सारे टूल्स जिनकी जरूरत हमें अक्सर ही पड़ा करती है डेली बेसिस पर। बस इसे अपनी बाइसिकल के कीचेन में डाल लो, एंड फिर जब भी जरूरत पड़े किसी टूल की, घर में या घर से बाहर कहीं भी, इसे निकालो एंड यूज कर लो। ना टूल्स आपको अलग से लेने पड़ेंगे, जिसके चलते आपके पैसे भी बचेंगे, और इस पॉकेट साइज गैजेट में आपको तमाम सारे टूल्स भी मिल जाएंगे। तो ये गैजेट सभी के लिए एक मस्ट हैव है। जियो ऑर्बिटल व्हील, अब देखने में किसी रोबोटिक व्हील जैसा ये व्हील एक्चुअल में आपकी बाइसिकल में एक बहुत बड़ा अपग्रेड ला सकता है। ये है जियो ऑर्बिटल व्हील, एक ऐसा व्हील जिसे लगाने पर आपकी नॉर्मल बाइसिकल बदल जाएगी एक इलेक्ट्रिक बाइक में। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार, बार बार इसे लगाना या हटाना ये तो बड़ा सरदर्द वाला काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। केवल 60 सेकंड्स के अंदर अंदर आप इसे अपनी बाइसिकल में लगा सकते हो, और इससे आपकी बाइसिकल की स्पीड बढ़कर हो जाएगी 20 माइल्स पर आवर तक। आपका मन करे तो पैडल चलाओ, ना मन करे तो वो भी रहने दो, ये व्हील खुद आपकी बाइसिकल को चलाएगा। मतलब बाइसिकल में बाइक वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा कहीं ना कहीं। 20 माइल्स पर आवर की स्पीड एक बाइसिकल के एस्पेक्ट से बहुत होती है यार, एंड ऐसी पावर के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो इस व्हील में ही मौजूद रहती है, जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर और लुक्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। सिर्फ 6 सेकंड्स में ये व्हील आपको 0 से 20 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंचा देगा। एचपी लॉक, बाइक राइडर्स को दो इश्यूज सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, एक तो ये कि बाइक पार्क करने के बाद हेलमेट हाथ में लेकर टहलो, एंड दूसरा स्मार्टफोन में कुछ भी देखना है तो गाड़ी रोक कर फिर देखो। वेल दोस्तों, अब और नहीं, क्योंकि आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस सिंगल गैजेट से, जिसका नाम है एचपी लॉक। ये एक खास तरह का लॉक है जिसे आप अपनी बाइक के हैंडल पर लगा सकते हो, एंड इसमें आपका स्मार्टफोन लगाकर यूज कर सकते हो उसे राइडिंग के दौरान। ये आपके स्मार्टफोन को पूरी सेफ्टी के साथ होल्ड करके रखेगा, फिर चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ या खराब क्यों ना हो। एंड जब बाइक पार्क करो आप, तो हेलमेट को साथ लेकर चलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें चाबी लगाओ, इसे खोलो, एंड हेलमेट को इसमें फंसा कर वापस से इसे कर दो लॉक। यानी बाइक राइडर्स के दो बड़े सरदर्द इस एक 2-in-1 गैजेट से खत्म हो जाएंगे।
एक्सेलर हिलाया तो इंडिकेटर चालू, फ्रंट एंड रियर लाइट्स, और ऐसे ही कुछ कमाल के फीचर्स वाले इस हेलमेट की बात करें दोस्तों तो इसमें और भी ऐसे ही फीचर्स हैं जो रोड पर आपकी सेफ्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे कि जब बाइसिकल राइड करते टाइम आप टर्न लेते होगे तो हाथ देते होगे ना, लेकिन इस हेलमेट में होते हैं टर्न सिग्नल्स, तो आपको जिस साइड टर्न लेना है उधर साइड हेड को हल्का सा टिल्ट कर दो और इस हेलमेट के टर्न सिग्नल्स ऑन हो जाएंगे, जिससे पीछे से आ रहे ड्राइवर्स आपको देख लेंगे। और साथ ही आगे व्हाइट एंड पीछे रेड ब्रेक लाइट्स भी रहती हैं। डार्क रोड्स पर यानी रात के अंधेरे में भी आप क्लियरली विजिबल रहोगे रोड पर इसकी मदद से। यानी वैसे तो हेलमेट्स खुद ही अपने आप में इतने सेफ रहते हैं, लेकिन इस स्मार्ट हेलमेट में टर्न सिग्नल्स और लाइट्स के फीचर से आपकी सेफ्टी पहुंच जाएगी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर। अब गाइस, ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट बैग है जिसे बाइसिकल के फ्रेम में आगे की साइड लगाया जा सकता है, जिसमें आप अपना छोटा मोटा स्टफ कैरी कर सकते हो। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ रहता है, यानी इसमें पानी भी पड़ जाए तो भी इसके अंदर रखा आपका सारा सामान सेफ एंड ड्राई रहेगा। फ्रेम में लगाने के लिए आप इसके स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनकी मदद से ये बहुत फर्मली बाइक के फ्रेम में लग जाता है। इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, नीचे वाले पार्ट में आप केबल, पेपर्स, चार्जर्स या ऐसी ही छोटी मोटी चीजें रख सकते हो, एंड ऊपर की साइड आ जाएगा आपका फोन, जिसे ना सिर्फ आप रख पाओगे बल्कि ट्रांसपेरेंट होने के चलते उसे देख भी पाओगे एंड टच करके उसे यूज भी कर पाओगे आप। एंड अब बाइसिकल्स की फील्ड में कवर करने को शायद एक ही चीज बची है, जो कि है मिरर्स, जो कि बाइक्स में होते हैं बट बाइसिकल्स में नहीं होते। तो क्या हुआ, उन्हें आप अलग से लेकर लगवा सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, ये मिरर्स आपकी रेगुलर बाइसिकल को बहुत ही अमेजिंग लुक्स देने वाले हैं। इन्हें लगाने के लिए जो भी नेसेसरी पार्ट्स हैं वो आपको इनके साथ ही मिल जाएंगे। आप खुद से भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो इजिली, अपनी हाइट वगैरह के हिसाब से इनकी पोजीशन को सेट करो, बोल्ट को कर दो टाइट, एंड बस ये लग गए आपकी बाइसिकल के हैंडल बार पर। इन्हें भी आप अमेजोन से ले सकते हो दोस्तों। सो गाइस, आज के कूल गैजेट्स कैसे लगे आपको मुझे जरूर से बताना कमेंट्स में, एंड साथ ही वीडियो को करके लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।